नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार का एक चर्चित आईपीएस ऑफिसर जिसकी तलाश पूरे पुलिस महकमे को थी, अब उसने खुद जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। देखिए, पूर्व डीजीपी एसके सिंगल को कॉल कर बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला, अपने दोस्त से फर्जीवाड़ा करवाने वाला चर्चित आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार ने अब पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पूरा मामला से आप अवगत हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह आदेश दिया गया था कि हफ्ते के अंदर आपको सरेंडर करना है, जिसके बाद आज वो पटना आए और पटना सिविल कोर्ट में जो है वो सरेंडर खुद को कर दिया है, यानी आत्मसमर्पण आदित्य कुमार ने कर दिया है। देखिए, गया के तत्कालीन एसएसपी रह चुके हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बना था, कई ठिकानों पर छापेमारियां चली थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल भी था। और देखिए, वही हम आपको बता रहे हैं, आदित्य कुमार जिसकी तलाश पूरे बिहार पुलिस को थी, गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। पटना के उच्चतम न्यायालय ने फरार आईपीएस अधिकारी को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश जारी किया था। जानकारी के अनुसार आदित्य कुमार एसजीएम 1 के अदालत में आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की, लेकिन न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया। आरोपी अफसर आदित्य कुमार को जेल भेज दिया गया है और आदित्य कुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं की बात करें तो देखिए, आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120B और धारा 66 और 66D और आईटी एक्ट लगे हैं, मगर गया के तत्कालीन एसएसपी के अलावे इनके सहयोगी गौरव राज, शुभम कुमार, राहुल रंजन जायसवाल और अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के आवेदन पर 15 अक्टूबर 22 को केस दर्ज किया गया था, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के तहत जो नाम से 22 अगस्त 22 से केस दर्ज होने के तिथि तक सरकारी काम में हस्तक्षेप करने, जालसाजी एवं ठगी करने का आरोप लगाया गया था। बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं 2011 बैच के ये आईपीएस आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला आईपीएस ऑफिसर ने खुद को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आगे देखना है क्या होता है। बहरहाल, इसको नहीं सकता है, अगर आपने अब तक लाइव चैट इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चैट इसको सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।